बहुत बड़ा धोखा होगा। इतनी हानि हो जाएगी जिसकी कभी भरपाई होगी नहीं। यहाँ की हानि तो भरपाई हो जाएगी, यहाँ तो हान लाभ चलता रहेगा, सुख दुख चलता रहेगा, हरस शोक होता रहेगा, अनुकूल प्रतिकूल चलता रहेगा, ये तो बनता मिटता रहेगा, क्योंकि प्रकृति का खेल है। इसलिए प्रकृति से न जुड़ करके आप स्वरूप चेतन सत्य है, आपका तीन काल में भी नाश नहीं होता। ये कहां पता लगेगा? सत्संग से। सत्संग का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? सत्य से जुड़ना, असत्य का त्याग करना। हम काहे से जुड़ गए? असत्य से। क्यों जुड़ गए? संस्कार अधीन बच्चे थे, किसी से नहीं जुड़े थे, कोई माँ बाप हानि लाभ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं था, शुद्ध था, पेवर था। लेकिन संस्कार अधीन जैसे जैसे संस्कार माँ बाबों ने डाल दिया, माता पिताओं ने, वैसा ही उसमें भर गया और वो जेल बन गई उसकी। उस जेल से पीछा छूटना दुर्लभ हो गया। यहाँ से जाने के बाद में यही गति होगी, नाना योनियों में जन्म लेना, मरना, दुख भोगना और हर शोक से ग्रसित रहना। इसीलिए चाहे नारी हो चाहे नर हो, खूब कमाना चाहिए, लेकिन किस भाव से कमाना चाहिए? सेवा का भाव से। क्या कर रहे हम? एक दूसरे की सेवा, सेवा का भाव इस भाव से करना चाहिए। मना नहीं है, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई गुफा में जाने की जरूरत नहीं। जहाँ है ग्रस्त में है, बच्चा बच्ची पालो, ग्रस्त चलाओ, खूब कमाओ, खूब मकान बनाओ, गाड़ी घोड़ा लाओ, लेकिन किस रूप में? आसक्ति रहित। ये मेरा नहीं, मैं इनका नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं, क्योंकि मैं बच्चा था मैं ही था, जवान हुआ मैं ही हुआ, बुढ़ापा आ गया मैं ही हूँ, मैं जीव का तू हूँ, शरीर बदल गया और शरीर छूट भी गया। ये शरीर मेरा नहीं, संसार भी मेरा नहीं, मैं कौन हूँ? मैं संसार से अलग हूँ। संसार नाशवान, शरीर नाशवान, मैं सत्य, मैं चेतन, मैं शरीर को जानने वाला, शरीर मुझे नहीं जानने वाला, इसलिए मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। कौन हूँ, कहाँ का हूँ, किसका हूँ? वो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ मैं, इसलिए मैं किसका हुआ? परमात्मा का। किससे मिलना चाहिए? परमात्मा से। आप जहां से बिछड़ा वहीं मिलना चाहिए। कहां से बिछड़ा? परमात्मा से बिछड़ा। और मिलना कहां चाहिए? उसी परमात्मा में। कैसे मिलेगा? मैं परमात्मा का, मेरा परमात्मा, बस किसका? बेटा पोता संसार इसका नहीं, घर बार गाड़ी घोड़ा पैसा इसका नहीं, मैं किसका? परमात्मा का। मेरा कौन? परमात्मा। ये क्या है? खेल है। किसका खेल? बादीगर का। बादीगर कौन? उसी परमात्मा की रचना, उसी का खेल। अब कर्मों के द्वारा हम नाना प्रकार के स्वार्थ के बस, मोह के बस नाना कर्म करते हैं, कर्म करके और फिर आगे जाके 84 लाख योनियों में भोगते हैं। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी सत्संग हो, सत्संग सुनना चाहिए, जितना समझ में आ जाए सत्संग से जरूर लाभ मिलेगा। जो भी बात समझ में आ जाए, एक भी बात समझ में आ जाए, झूठ बोलना माँ पाप, झूठ आज से नहीं बोलूंगा, ऐज कर ले। मान लो बनना शुरू हो गया, काम बनना शुरू हो गया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।